हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आयुष काउंसलिंग को लेकर एक और स्टेट में यहाँ पर अपडेट आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो उड़ीसा की जो काउंसलिंग है वो BAMS, BHMS, BMS की वो स्टार्ट हो गई है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका यहाँ पर शेड्यूल भी आ गया है, और जो भी टेंटेटिव शेड्यूल है काउंसलिंग का वो यहाँ पर आ गया है। तो आज मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लें, और साथ ही में गाइस अगर आपने हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे आप डाउनलोड कर लें। आप जैसे उसमें डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स दिखेगा। आप जैसे उस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपका जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको हमारी टीम गाइड करेगी, और आपको जितने भी डाउट है आपके, और इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर जो भी क्वेरीज होती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग और आपके जो भी डाउट होते हैं सारे सोल्व कर दिए जाएंगे। सो गाइस, आप उस कोर्स में रजिस्टर करके हमसे पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आपको जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर BAMS और BHMS कोर्सेज। तो इसको हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो भी शेड्यूल आया है वो खुलकर आ जाएगा। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा जो भी शेड्यूल आया है उड़ीसा आयुष काउंसलिंग का। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शेड्यूल है वो 7 दिसंबर को आया था, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और साथ ही में गाइस आपकी जो चॉइस फिलिंग वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। उसके बाद गाइस बात करते हैं अपन क्या डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन चॉइसेस फील्ड इन कैंडिडेट्स एज ऑन द 11 दिसंबर 5 PM। तो गाइज़, इसके बाद क्या होगा कि जो मॉक सीट का जो अलॉटमेंट है उसका जो डिस्प्ले होगा वो कब होगा, 12 दिसंबर को होगा, कब, शाम के 5 बजे, ठीक। उसके बाद गाइज जो चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, 13 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आपका जो पासवर्ड है उसका यूज़ करके आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं जो भी आपने कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग की है। उसके बाद गाइस 14 दिसंबर को जो भी रजिस्ट्रेशन है और चॉइस लॉकिंग है वो एंड हो जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद गाइस आपका जो 15 दिसंबर को क्या होगा, आपका जो सीट जो अलॉटमेंट है उसका प्रोसेसिंग होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद 16 दिसंबर को राउंड वन का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, मतलब जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद गाइस हम 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक की बात करते हैं, शाम के 5 बजे तक आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। तो गाइस आप ध्यान रखिए, आपको कॉलेज में जाके फिजिकल यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना है, आपकी जो रिपोर्टिंग होगी यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। उसमें गाइस आपकी जो पार्ट एडमिशन फीज होती है वो यहाँ पर लगेगी, इसके अलावा आपको यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना होगा। और गाइस यहाँ पर 2 एक्सरसाइज की जाएगी, एक तो या तो आप फ्रिज का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो या तो आप फ्लोट का ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। अब फ्रिज का मतलब क्या होता है कि आपने आपका जो भी कॉलेज अलर्ट हुआ है आप वहीं से अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और फ्लोट का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब आप वहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना चाहते हैं। तो फ्रिज मतलब आपने एडमिशन ले लिया और आपकी कंटिन्यू स्टडी यहाँ से आप करना चाहते हैं, और फ्लोट का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पर जाकर क्या किया, अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया, ठीक है। उसके बाद हम 20 दिसंबर की बात करते हैं, तो 20 दिसंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, तो जो भी आपकी जो क्वेरी होगी उसका रिस्पॉन्ड किया जाएगा, और वो उसका क्या होगा यहाँ पर लास्ट डेट होगा। उसके बाद गाइस 17 से 19 दिसंबर तक आपका विथड्रोवल और एग्जिट फ्रॉम सीट अलोकेशन प्रोसेस। तो गाइस अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, विथड्रॉ करना चाहते हैं जो भी सीट आपको अलॉट हुआ है, तो आप 17 से 19 दिसंबर के बीच में कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद गाइस 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक राउंड टू के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ पर राउंड टू में फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे। तो गाइस आप राउंड टू के लिए भी यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 17 से लेकर कब 19 दिसंबर तक। उसके बाद 20 से 21 दिसंबर तक फिर से आपका जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, और 22 दिसंबर को यहाँ पर राउंड टू का जो सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपका जो रिजल्ट है राउंड टू का वो आ जाएगा। उसके बाद 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, जो भी आपकी जो फ़ी है वो आपको देना पड़ेगी कन्फर्मेशन फ़ी, और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप फ्रिज का ऑप्शन दो या तो आप फ्लोट का ऑप्शन दो। फ्रिज मतलब आपको जो कॉलेज अलर्ट हुआ आप वहीं अपनी एडमिशन मतलब अपने जो स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और फ्लोट मतलब आपने क्या किया, अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया, मतलब आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा गया ओनली फॉर कैंडिडेट्स
न्यूली अलॉटेड इन राउंड टू। तो गाइस जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है राउंड टू में उन्हीं के लिए ये ऑप्शन दिया जाएगा फ्रिज और फ्लोट का, ठीक है। जिनको फर्स्ट राउंड में मतलब अलॉट हो गया था कॉलेज तो उनको तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर मिल गया था ये वाला ऑप्शन, लेकिन जिनको सेकंड राउंड में यहाँ पर फिर मतलब फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है उन्हीं को यहाँ पर फ्रिज या फ्लोट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था और उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर ये ऑप्शन मिला था और उन्होंने फ्लोट का ऑप्शन दिया था, तो लेकिन अब सेकंड राउंड से उनके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। उसके बाद 25 दिसंबर की बात करते हैं तो लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी तो वही है, ठीक। उसके बाद हम 23 से 25 दिसंबर तक, तो आपको जो सीट अलॉट हुआ उसे आप विड्रॉ या एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद 27 दिसंबर की बात करते हैं तो ऑटो अपग्रेडेशन हो जाएगा एंड डाउनलोडिंग ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक। उसके बाद 27 से 29 दिसंबर तक की बात करते हैं, आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है और पेमेंट ऑफ पार्ट एडमिशन कम सीट कंफर्मेशन फी डॉक्यूमेंट अपलोड और ये सब यहाँ पर आपको करना है, ठीक। तो गाइस ये जो ऑटो अपग्रेडेशन है और आगे का जो शेड्यूल है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेकंड राउंड में जिनको क्या होता है सेकंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ था और उन्होंने क्या किया था फ्लोट का ऑप्शन दिया था, तो उनको क्या कर दिया जाएगा अगर वो अपग्रेड होते हैं तो उनको ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो उनका जो रिजल्ट है वो 27 दिसंबर को आ जाएगा और उनको फिर क्या करना है जो भी कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, कब, 27 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया शेड्यूल एंड गाइडलाइंस फॉर स्पॉट या मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल बी नोटिफाइड लेटर, तो ये जो मॉपअप राउंड है उसका जो शेड्यूल या गाइडलाइंस है वो बाद में यहाँ पर आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो गाइस ये था उड़ीसा आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल जिसमें मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताया कि क्या शेड्यूल रहने वाला है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और यहाँ पर जो मॉपअप राउंड है अभी यहाँ पर नोटिफाइड नहीं किया है तो वो आपको बाद में यहाँ पर नोटिफाइड कर दिया जाएगा। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे स्क्रीन पर उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस इन्जॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।